हेलो दोस्तों, ममता टाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको वीडियो में सिखाएंगे ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन। दोस्तों, ये डिज़ाइन सीखने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे ममता टाइव चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। और दोस्तों, साथ ही हमारा अमीना बुटीक एप्लीकेशन है, आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा ब्लाउज का बैक है। इसे दोस्तों आप देखेंगे, यहाँ पर हम जो गला बनाएंगे वो गला होगा हमारा बोट नेक, जो कि हमने 4.5 इंच ले रखा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, हमें जो गला बनाना है उसके हम कैसे ड्राइंग करेंगे तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इसे इस तरीके से ओपन कर लें और आपको मैं सिर्फ एक ही साइड में दिखाऊँगा निशान लगा के कि किस हिसाब से हम निशान लगाएंगे। दोस्तों, ये हमारा ब्रॉड का निशान है। आप यहाँ पे दोस्तों निशान लगाएंगे 1.25 इंच पे इस तरीके से। और नीचे की तरफ में दोस्तों, ये आपका नीचे वाला हिस्सा है, सेंटर है ये आपका। आपको ऊपर से नीचे तक इस तरीके से लेके आना है। आप एक निशान लगा लेंगे दोस्तों, ये जो निशान लगेगा आपका, और थोड़ी गैपिंग यहाँ पे कंधे की कम है तो मैंने यहाँ पे ब्रॉड जो है अपना कम कर लिया है। और यहाँ पे मैंने निशान लगाया है 1.5 इंच पे, तो आप 1.5 इंच पे कट लगा लें। और आप इसे अब इस तरीके से बिछाएंगे, क्योंकि आपकी क्रीज होगी ब्लाउज की, तो आप इसको इस तरीके से बिछाएंगे और उसके बाद हाथ लगाए ऐसे करके मारेंगे। तो ये देखिए, दूसरी तरफ दोस्तों आपका ऑटोमेटिक निशान आ जाएगा। तो आप यहाँ पे भी इसको डार्क कर लें निशान को। तो दोस्तों, ये निशान हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जब हम गला बोर्ड ना काटेंगे उसकी ब्रॉड तो आपकी 4.5 होगी, ठीक है। इसका जो डीप रखेंगे वो हम रखेंगे 4 इंच, और 4 इंच में आप एक साइड में इस तरीके से दोस्तों देखिए बोर्ड नेक का हो गया। आप इसको भी ऐसे करने के बाद दूसरी तरफ भी आपका निशान आ गया। अब दोस्तों, ये डिज़ाइन कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए जो हमारी पट्टी है, एक पट्टी को हम कटिंग करेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, दूसरी पट्टी को भी हम कटिंग करेंगे, जो कि हम कंट्रास्ट मिलाएंगे डिजाइनिंग के लिए। तो दोस्तों, एक पट्टी को तो हम हटा देंगे। सबसे पहले एक कलर का धागा हमने चढ़ा लिया, उसको आप देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों, आधा इंच के आसपास आप इसे इतनी चौड़ी पट्टी लेके आप इसके यहाँ पर भी सिलाई चला देंगे। इसी तरीके से दोस्तों, ये जो नीली पट्टी है, नीला धागा लेके आप इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको बनानी है पट्टी। तो देखिए दोस्तों, फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी ये वाली पट्टी लेंगे, ठीक है। इस पट्टी को लेना है, क्योंकि कंट्रास्ट जैसे आप मैं बताऊंगा उसी हिसाब से आप कंट्रास्ट मिलाएं, आपका गला बहुत अच्छा बनेगा। पहले आप मार्जिन छोड़ेंगे, मार्जिन के बाद एक पट्टी की गैपिंग छोड़ेंगे। उस गैपिंग के बाद दोस्तों, आप यहाँ पर लगाएंगे एक कंट्रास्ट वाली पट्टी, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल सीधी। तो दोस्तों, आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको पट्टी कितनी लगानी है, पट्टी लगाएंगे आप इसको इतनी, यानी कि ये जो गुलाबी निशान मैंने लगाया है आपको सिर्फ इतनी इतनी लगानी है पट्टी, इसे ज़्यादा नहीं लगानी। तो बिल्कुल सीधा रखने के बाद आप इस पट्टी को यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों, आप अपनी नीली पट्टी लेंगे और गुलाबी निशान के थोड़ा इस तरफ में, ठीक है ना, ऐसे रखने के बाद आप इसको बराबर से मिला के आप इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको फिर अपनी वही पट्टी लेनी है गाजरी कलर की, और उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से आप लगा देंगे। तो बिल्कुल सेम, एक पट्टी ये, एक नीली, ऐसे करते हो पूरे गले पे एंड तक आप लगा लें। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से आप पूरी पट्टी लगा लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो निशान था ऊपर तक आप देखेंगे, आपको फुट्टा रखने के बाद दोबारा से चौक से निशान लगाएंगे, जो कि पट्टी पे उठ के आ जाए। ये देखिए उठ के आ गया, ऐसे यहाँ का भी निशान लगा लेंगे हम। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, चलिए मैं मशीन पर बताता हूँ। दोस्तों, आपको इस कलर का कपड़ा काटना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से आप पहले इसको ऐसे करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप इसे इस तरीके से करेंगे, ठीक है। जब ये आपका हो जाएगा,
फिर आप इसको देखिए यहाँ पर ऐसे करेंगे और फिर आप इसको ऐसे करेंगे। जब ये आप कर लेंगे फिर आप इसको इस तरीके से करके सिलाई से अटैच कर लेंगे। जब ये आपका अटैच हो जाएगा तो आप इसको इतना इतना कट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप काफ़ी सारी जो है बना लें पट्टी। तो दोस्तों ये देखिए हमने इसके कलर की बहुत सारी ये बना ली, हम इसे अभी अलग रखेंगे। उसके बाद दोस्तों जितनी चौड़ी आपने पट्टी लगाई थी इतनी चौड़ी आपको एक नीली पट्टी बनानी है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए ऊपर की साइड से हम इस पट्टी को ऐसे रखेंगे और इसको नीचे तक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों जब आप देखिए ऊपर से यहाँ पे लगा लेंगे फिर आपको क्या करना है, तो आपको इस पट्टी के पास से लगाना स्टार्ट करना है। इस तरीके से देखिए आप रखेंगे और डिज़ाइन आपका नज़र आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ऐसे रखें और आप इसे सिलाई करेंगे और थोड़ी थोड़ी गैपिंग पे आप इसको इस तरीके से लगाते चले हैं और इस पर सिलाई लगाते हुए चले जाएँ। तो दोस्तों इसी तरीके से आप पूरे में इसको लगा लेंगे। इस तरीके से आपको दोस्तों इस तरीके से आपको ही लगाना है। तो दोस्तों जैसे हमने पट्टी यहाँ पे लगा के इसको लगाया है बिल्कुल सेम आप यहाँ पे भी पट्टी लगा के यहाँ पे भी आप सेम ऐसे ही अटैच कर लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमने इस तरफ भी ऐसे ही लगा लिया। फिर आप क्या करेंगे, आपको देखिए दोस्तों इतना इस हिसाब से रखना है, ठीक है। और इस हिसाब से आप पूरे कपड़े को पहले आप सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों सिलाई लगाने के बाद आप एक नीली पट्टी लेंगे और नीली पट्टी को बिल्कुल किनारे से आप लगा देंगे सिलाई। फिर एक सिलाई और लगा लेंगे। तो दोस्तों आप देखें ये पूरा गला तैयार हो चुका है। अब हमें बनाना है बोट नेक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप इसको इस तरीके उल्टी तरफ से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सेंटर में ला लेंगे पूरा। दोस्तों जब आप सेंटर मिला लें तो जो हमने ऊपर से दिया था 4 इंच तक, तो यहाँ पे देखिए 4 इंच पर हम निशान लगा के जो ये आपका बोट नेक का निशान है आप इसको इस तरीके से देखिए निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद आप इसे एक पैर कम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से कटिंग हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, नीले कलर की और पट्टी लेनी है एक। तो दोस्तों आपको नीले कलर की और पट्टी काटनी होगी। उसके बाद आप इसको ऐसे करेंगे और ऐसे करने के बाद दोस्तों आप इस पर कच्चा कर लें। जब दोस्तों आप देखिए इसको इस कच्चा कर लेंगे फिर आप क्या करेंगे, आप इसकी बैक साइड से आप पट्टी को लें ऐसे और एक पैर के मार्जिन के हिसाब से जितना आपने कटिंग के लिए छोड़ा था इसको पट्टी को ऐसे हल्का हल्का खींच के लगाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आप इस पर एक इस तरीके से नाखून लगा लें जिससे आपको आसानी होगी गला पलटने में। फिर आप देखिए इसको सीधी तरफ इस तरीके से ऐसे लेंगे और इसके पहले किनारे पे लपे एक सिलाई लगा देंगे। फिर दोस्तों एक सिलाई लगाने के बाद देखेंगे अभी उठ रहा है, अभी फलक रहा है, ठीक है। लेकिन ये सारा ठीक हो जाएगा जब हम इसकी ये वाली सिलाई लगाने के बाद कच्चा खोलेंगे। तो पहले आप इसको ऐसे बिठाए बिठाए आप इस पर सिलाई लगा लें। तो दोस्तों ये देखिए ये आपका ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन बन चुका है। आप देखेंगे नीचे ब्लू पट्टी है, साइड में ब्लू पट्टी है, साइड में हमने जो कंट्रास्ट से
ये बना दिया है जो ये त्रिकोण होते हैं, और बोर्ड नेक में हमने ओरे पट्टी घुमाई है जो कि बड़ी फिनिशिंग के साथ बैठी है। और जो दोस्तों आपको मैं बैक साइड से दिखाता हूँ, बैक साइड से देखेंगे हमने पूरी सिलाई लगाई है, ठीक है, जिससे आपका गला इतना खूबसूरत आ रहा है। दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये गला आप अपनी कमीज़ में भी बना सकते हैं, बैक नेक जरूरी नहीं है कि ब्लाउज का ही है, आप ये अपनी कमीज़ के बैक नेक में भी बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और दोस्तों अगर आप हमारे मोहम्मद तैयब चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।